यदि हम भारत माता राष्ट्र माता कहते हैं तो भारत माता का चित्र जिस प्रकार हम देखते हैं वह चित्र वेद शास्त्रों में तो कहीं मिलता नहीं है। पूज्य धर्म सम्राट कर्पात्री जी महाराज ने जिस आंदोलन को इस भारत की भूमि पर बलिष्ठ किया था उसी आंदोलन को पुनः उठाकर इस भारत की भूमि में स्थापना का कार्य पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं। हमारी रणनीति तो कुछ नहीं है, हमारी रणनीति तो आस्था की रणनीति है, क्योंकि धर्म से बड़ा समाज में कुछ नहीं है, धर्म से ही पूरा संसार चलता है। सारे राजनीतिक दलों में जितने भी लोग हैं सब सनातनी ही जुड़े हैं और सनातन धर्म को अच्छे से जानते भी हैं। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ संसद का गठन किया है और देश के सभी जिलों में गौ सांसद बनाए गए हैं। ये गौ सांसद इस आंदोलन पर नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ स्वामी आकर्षण जी महाराज हैं जो कि जबलपुर के गौ सांसद बनाए गए हैं। तो आप किस तरह से इस प्रोटेस्ट को या हम कहें कि इस जिस मकसद को लेकर आप लोग काम कर रहे हैं आगे क्या रणनीतियां अपनाई जानी हैं? देखिए, भारत में जो संस्कृति है वो गौ प्रधान है। यदि हम भारत माता राष्ट्र माता कहते हैं तो भारत माता का चित्र जिस प्रकार हम देखते हैं वह चित्र वेद शास्त्रों में तो कहीं मिलता नहीं है। वह चित्र वास्तविक रूप में गौ माता का ही चित्र है जिसे हम भारत माता कहते हैं। तो गौ माता ही हमारी भारत माता है और गौ संसद की आवश्यकता पूज्य गुरुदेव को इसलिए आन पड़ी है क्योंकि जिस प्रकार हम छोटे से छोटे जीव को भी आज बंदी बना लेते हैं, किसी सांप को आप पोटली में बंद कर लीजिएगा तो आपको जेल हो जाएगी, तो गौ माता हमारी हिंदू आस्था का प्रतीक है। हम उससे जीते हैं और उसी से हम मरते भी हैं। हम मरने के बाद हमें मुक्ति भी गौ माता दिलाती है और जीने पे हमें अमृत भी गौ माता देती है। तो इस गौ माता की ऐसी दुर्दशा देखकर भला कौन शांत रहेगा। पूज्य गुरुदेव का यही कथन है। पूज्य धर्म सम्राट कर्पात्री जी महाराज ने जिस आंदोलन को इस भारत की भूमि पर बलिष्ठ किया था उसी आंदोलन को पुनः उठाकर इस भारत की भूमि में स्थापना का कार्य पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं। तो हम सब इसी आंदोलन के एक अंग हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में इस भारत में प्रतिष्ठित किया जाए। जब सभीष्ट के लिए आप लोग करने क्या जा रहे हैं, गौ सांसद क्या करने जा रहे हैं आपकी जैसे? हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए प्रत्येक गांव प्रत्येक नगर में हमारी यही मंशा है कि जो गौ माता को भली भांति जानता है उसकी सेवा में लग्न है या संलग्न है, जो हिंदू धर्म से जुड़ा है वह हमारी गाय माता से भी जुड़ा है। हम प्रत्येक नगर नगर गांव गांव प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक पार्षदी क्षेत्र में प्रत्येक सरपंची के क्षेत्र में एक एक गौ भक्त तैयार करने की हमारी तैयारी है। साथ में तैयारी बस नहीं है, उसका मूल रूप से जमीनी तौर पर गौ माता के लिए समर्पित कार्य करेगी ऐसी गुरुदेव की मंशा है और ऐसा हम सब मिलकर कार्य करने जा रहे हैं। ये जो पूरा नेटवर्क आप लोगों का तैयार होगा गौ भक्तों का, फिर वो किस तरह आगे बढ़ेंगे, आगे क्या आप लोगों की रणनीति? हमारी रणनीति तो कुछ नहीं है, हमारी रणनीति तो आस्था की रणनीति है, क्योंकि धर्म से बड़ा समाज में कुछ नहीं है, धर्म से ही पूरा संसार चलता है। तो गौ माता हमारी आस्था का प्रतीक है और आस्था को लेकर ही हम चल रहे हैं। तो हमारी जो रणनीति है कोई राजनीतिक रणनीति नहीं है, हमारी आस्थावान रणनीति है। तो जो भी इस आस्था से जुड़ना चाहेगा, इस मुहिम में शामिल है, उसका स्वागत है और वो गौ माता के लिए कार्य कर सकता है। इधर राजनीतिक दलों के लोग जो हर बार चुनाव लड़ते हैं जीतते भी हैं, उनसे आप लोगों की क्या अपेक्षा रही, क्योंकि इस बार तो आप लोग चुनाव मैदान में भी नजर आए थे? हमारा सभी राजनीतिक दलों से बस यही आग्रह है कि सारे राजनीतिक दलों में जितने भी लोग हैं सब सनातनी ही जुड़े हैं और सनातन धर्म को अच्छे से जानते भी हैं, तो उन्होंने बाल्यकाल में गौ माता के दूध का सेवन किया होगा, वो आज भी घी खाते होंगे। तो जब वो संसद में पहुंचते हैं या अपनी विधानसभा में पहुंचते हैं, अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में पहुँचते हैं, तो वो हर प्रश्न को उठाते हैं, क्या वो राह में पड़ी हुई गौ के लिए या गौ की परिस्थिति को देखकर उनके मन में गौ के प्रति पीड़ा नहीं होती है, क्या उसके प्रति प्रश्न नहीं होता है? जिस प्रकार वो अपने घर में अपनी माँ की रक्षा करते हैं, उनके मन में संकल्प होना चाहिए कि वो हम अपनी गौ माता के भी रक्षित होकर संकल्पित लें। बस मैं यही आग्रह करूँगा सारे जनप्रतिनिधियों से कि जो भी चुनाव के मैदान में हैं, जीत चुके हैं
या अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो गौ माता के लिए संसद में प्रश्न उठाएं, अपने क्षेत्रों में गौ माता के लिए प्रश्न उठाएं और साथ में भारत सरकार के लिए भी प्रश्न उठाएं कि भारत सरकार गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए कानून, ठोस कानून बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बात की स्वामी आकर्षण जी महाराज से जो कि गौ संसद के, गौ सांसद जबलपुर के हैं। उनका कहना है कि पूरा ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक, जनपद तक, हर जगह गौ भक्तों के गौ प्रतिनिधि बनाए जा रहे हैं और ये सामाजिक जागरूकता का काम करेंगे ताकि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की दिशा में आगे बड़े काम किए जा सकें और ख़ासतौर पर राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों से भी वो इस मामले पर गंभीरता से आगे बढ़ने की अपेक्षा कर रहे हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।